ग्वालियर जिले के भीतरवार में 18 बीघा जमीन के नामांतरण के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल मुरैना जिले के बामोर तहसील के टीकरी गांव के रहने वाले चंद्रभान सिंह गुज्जर ने ग्वालियर जिले के भीतरवार में 18 बीघा जमीन अपने माँ के नाम खरीदी थी, जिसका नामांतरण होना था। लेकिन जमीन नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया था, लेकिन नामांतरण के एवज में हल्का पटवारी उमा शंकर आदिवासी द्वारा चंद्रभान से 90,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। फिर सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ। किसान चंद्रभान सिंह गुज्जर ने इसकी शिकायत 20 नवंबर को ग्वालियर लोकायुक्त में की थी। ये नहीं भैया, 90,000 रुपया मांग रहे हो मुंह पे नामांतरण की। कहाँ पे थी जमीन आपकी? खड़ीचा। कितनी दी थी आपने पहले? हैं? पहले कितनी दे चुके थे? नहीं नहीं, पहले नहीं दी। ये बहाने गई कि मेरे को तो इकट्ठे चाहिए। तो आज कितने रुपए दिए थे आप? 25,000 रुपए। 25 रुपए आए वो, पहले 90 मांगे, फिर मांगे 30 मांगे और फिर 25 मांगे, दही फिर 25,000 रुपया। लोकायुक्त टीम ने शिकायत को पहले वेरीफाई किया और फिर सोमवार को निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में लोकायुक्त टीम भीतरवार जा पहुंची, जहां फरीदी किसान पटवारी उमाशंकर आदिवासी को तहसील कार्यालय के पीछे बने गुरुद्वारे की दुकान में, जिसमें पटवारी का निजी कार्यालय संचालित होता था, वहां 25,000 रुपए की रिश्वत देने पहुंचा था। जैसे ही चंद्रवान ने पटवारी उमा शंकर आदिवासी को रुपए दिए, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। अनावेदक जो है पटवारी, उनके द्वारा 90,000 रुपए की रिश्वत मांग करना और उसके बाद जब बातचीत के बाद तय हो जाने के बाद 30,000 और फिर 5,000 रुपए और कम करके अंत में 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। 25,000 रुपए लेने पर वो सहमत हुआ और आज इसके बाद सत्यापन के उपरांत हमने इसमें FIR दर्ज की है पटवारी के विरुद्ध, और आज उसके अनुसंधान के क्रम में यहाँ पूरा दल लोकायुक्त का ग्वालियर आया, भीतरवार आया, और आवेदक ने जो तहसील के पीछे गुरुद्वारे की जो दुकानें हैं उसमें इसने निजी कार्यालय पटवारी बना रखा है, वहाँ पर आके इसको इसके मांगे के अनुसार रिश्वत दी। तो रिश्वत पटवारी उमाशंकर के द्वारा आवेदक से ग्रहण की गई और अपनी जेब में रख ली गई। हमने रिश्वत राशि बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पटवारी के पास से टीम ने रिश्वत के 25,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त टीम फिलहाल वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।